हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। और अब तक हम देख चुके हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारे दो टाइप के स्रोतों का उपयोग हुआ है, वो है आपके साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। हम डिटेल में पढ़ रहे थे साहित्यिक स्रोत, जिसको दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। पुनः धार्मिक साहित्य को तीन भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। उसमें हम पढ़ रहे थे ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में हमने देखा था वेद देखे, ब्राह्मण देखे, उपनिषद देखे और वेदांग देखे थे। आज हम देखेंगे महाकाव्य और आपके पौराणिक साहित्य। तो आज बात करते हैं महाकाव्यों की। महाकाव्य क्या होते हैं? महाकाव्य का मतलब होता है कि काव्य का ये रूप जो एक विशाल रूप में लिखे गए हो, महाकाव्य कहलाते हैं। हमारे भारतीय इतिहास में दो महाकाव्य माने गए हैं, रामायण और भारत, दूसरा जो है हम कहते हैं महाभारत। तो वास्तव में धार्मिक साहित्य में इनका बहुत ही ऊंचा स्थान है। अब मैं एक एक के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले बात करूं रामायण की। रामायण की रचना जो है महाकवि वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि ने रामायण के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का संपूर्ण जीवन चरित्र जो है वो आपके विभिन्न कांडों में लिखा है। सात कांडों में लिखित ये पूरा महाकाव्य एक प्रकार से भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति को एक प्रकार से बयां करता है, और साथ ही साथ वर्तमान पीढ़ी को ये शिक्षा भी देता है कि किस तरह से आदर्श रूप में व्यवहार किया जाता है। बंधुता का व्यवहार जो है लक्ष्मण से सीखने की प्रेरणा मिलती है। आदर्श नारी की कल्पना सीता में समाहित है। आदर्श पुरुषोत्तम मर्यादा व्यक्ति की जो कल्पना है यह आपके भगवान श्री राम में समाहित है। मित्र की कल्पना जो है, या मित्र, आदर्श मित्र का जो रूप है वो आपके सुग्रीव और इनके बीच समाहित है। एक राक्षसी प्रवृत्तियां जो है वो रावण में, सावण में समाहित है। मतलब आपके रामायण के अंदर, हमारी रामायण के अंदर एक एक चरित्र जो है वो वर्तमान में आज की इस पीढ़ी को सीख देता हुआ प्रतीत होता है। तो रामायण के बारे में इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध मानी जाती है। कई सारे इसके ऊपर आक्षेप लगते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध हो सकती है, लेकिन इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां जो है, इसकी प्रासंगिकता के ऊपर कभी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो रामायण हमारा महाकाव्य है, संस्कृत में महाकवि वाल्मीकि ने इसको रचा था। दूसरा महाकाव्य जो है वो है आपके हमारा महाभारत। महाभारत की रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की थी। इन्हें स्टार्टिंग में महाभारत को जय कहा जाता था, बाद में भारत कहा गया, और जब लाख श्लोक हुए तब उसको महाभारत नाम दिया गया। महाभारत के अंदर किम कर्तव्य विमुद्ध अर्जुन जो है वो एक प्रकार से युद्ध मैदान में किम कर्तव्य विमुट हो जाते हैं, और उनको किस तरह से उनके सारथी कृष्ण जो है वो शिक्षा देते हैं, उन सारी शिक्षाओं को लिखा गया है। उसके साथ साथ आपके कुरुक्षेत्र के उस पूरे महाभारत के युद्ध को लिखा गया है। इसके अलावा किस तरह से वो काल कैसे चला था, और सारी चीजें जो है वो कुल वहां पे 18 पर्वों में लिखी गई है। इन सारे 18 पर्वों में पूरी महाभारत लिखी गई है। उसमें से जो भीष्म पर्व है वो सबसे बड़ा पर्व है, और भीष्म पर्व का के अंदर ही जो आपके अध्याय है उन अध्यायों में ही हमारे गीता लिखी गई है। तो गीता वहीं से हम लेते हैं, भीष्म पर्व से, और इस गीता के साथ गीता में ही श्री कृष्ण ने जो जो प्रवचन अर्जुन को दिए थे वो प्रवचन गीता में संकलित किए गए। तो स्टूडेंट्स, गीता का क्या हमारे इस आधुनिक समाज में क्या उपयोग है? आज के वर्तमान युवा को गीता का क्या उपयोग है? आज समाज के अंदर जब भौतिकतावादी दुनिया जो है वो एक प्रकार से फैल गई है, यूं कहिए कि संस्कारों की कमी चल रही है, यूं कहिए कि व्यक्ति जो है कम कर्तव्य विमुग्ध होकर बैठ गया है, ऐसी स्थिति में आज गीता की सबसे अधिक आवश्यकता है। गीता के उस संदेश की सबसे अधिक आवश्यकता है जो निष्काम कर्म की बात करता था, जो कर्मण्येवाधिकारस्तु की बात करता था, वो जो अनाशक्त होकर कार्य करने की प्रेरणा देता था। आज सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो हमें उस गीता के संदेश की है। तो महाकाव्य दो हो जाते हैं, रामायण और आपके महाभारत। इन दोनों के अंदर, एक रामायण के अंदर श्री राम,
और उनकी पूरी की पूरी घटनाक्रम को लिखा गया है। वहीं महाभारत में कुरुक्षेत्र एक प्रकार से कौरव और पांडव के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस पूरे युद्ध को जो है वो महर्षि कृष्णदेव पवन वेद व्यास ने लिखा है। इस महाकाव्यों के अलावा ब्राह्मण साहित्य में पुराणों का स्थान भी आता है। महाकाव्यों में के बाद में पुराण आते हैं और इन पुराणों की जो संख्या है वो मुख्य रूप से 18 बताई जाती है। हालांकि इनकी संख्या अधिक भी बताई जाती है कहीं पर, लेकिन मुख्य रूप से पुराणों की संख्या जो है वो 18 बताई जाती है। इन पुराणों को भविष्य शैली में लिखा गया है, मतलब ये हुआ कि भविष्य में ऐसा घटित होगा, ऐसा होगा, इस हिसाब से लिखा गया है। इन पुराणों में कुल 5 विषयों का संकलन किया गया है। सर्ग, आदि सृष्टि, मतलब जो अभी चल रही है। प्रतिसर्ग, प्रलय आने के बाद वापस पुनः जो सृष्टि बनेगी वो कैसी बनेगी वो लिखा गया है पुराणों के अंदर। वंश, देवताओं और ऋषियों की पूरी पूरी वंशावलियां लिखी गई है पुराणों के अंदर। मन्वंतर, इसके अंतर्गत आपके एक प्रकार से मनु से शुरू होकर इतिहास कैसे आगे बढ़ा है वो पूरा का पूरा इसमें लिखा गया है। इसके अलावा वंशानुचरित, प्राचीन राजकुलों का जैसे इक्ष्वाकु वंश हो वगैरह, इनका इतिहास जो है वो आपके इसमें लिखा गया है। तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर और वंशानुचरित, ये 5 विषय जो है ये पुराणों के अंदर लिखे गए हैं। तो पुराणों के इन 5 विषयों को जो हम कह सकते हैं इतिहास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है। वंशानुचरित का उल्लेख हर जगह नहीं मिलता, हर जगह नहीं मिलता, कुछ पुराणों में इसका उल्लेख नहीं भी है। काफी कुछ पुराणों में कल्पनाएं भी की गई है, पुराणों में कई बातें ऐसी भी हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। पुराणों के बाद में, पुराणों के विश्वास के बाद जो एक नवीन एक प्रकार से जो समुदाय बना, जो नवीन धर्मों का उदय हुआ, जिसे पौराणिक धर्म कहते हैं हम, तो पौराणिक धर्म भी इस पुराणों के बाद हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण साहित्य जो था, इसमें वेद आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, उपनिषद आएंगे, महाकाव्य और पुराण और वेदांग, ये सारा का सारा हमारा ब्राह्मण साहित्य था। अब हम आगे अगला जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे जैन और बौद्ध साहित्य, जिसे हम अब्राह्मण साहित्य भी कहा गया था। धन्यवाद स्टूडेंट।